सच्चाई ये है कि महर्षि पतंजलि जी ने जो योग को अपने ग्रंथ में अच्छे से समझाया है, आम लोग भी समझ सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है जी जी, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। हालांकि योग को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे एक्सेप्टेंस मिल गई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की जी। हालांकि योग तो पहले से ही सारे विश्व में करोड़ों लोग कर रहे थे जी, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि इंटरनेशनल योगा डे की मान्यता मिली है, बड़ी खुशी की बात है, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन जो योग को जिस ढंग से लिया गया है या लिया जा रहा है, इंटरनेशनल डे जो मनाया जा रहा है, मैं सोचता हूँ योग की जो मूलभूत भावना है उसको तो दूर तक भी छू भी नहीं रहा कोई। उसकी जो फिलॉसफी है उससे तो सारे अनभिज्ञ हैं। योग की पहली फिलॉसफी ये है, अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। महर्षि पतंजलि जी ने जो प्रथम शुरुआत की है वो कहते हैं कि अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, सत्य, सच बोलना, कितने लोग हैं सच बोलते हैं जी, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपने मन को खराब नहीं करना, जो हमारा ये जो मन है विषयों की तरफ भागता है, भटकता है, उससे आनंद नहीं बल्कि दुख ही मिलते हैं अंततः। ब्रह्मचर्य के बाद अपरिग्रह, कि ये जो धन बटोरने की या सामान इकट्ठा करने की या और अधिक से अधिक बलशाली बनने की, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की पाने की भौतिक क्षेत्र में, वो होड़ को ख़त्म करके जब तक आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं अपने को आप उस में संतुष्ट नहीं पाते हैं तो आप कभी सुखपूर्वक जीवन, आनंदित जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। जी जी जी। तो ये आसनों से पहले उन्होंने कहा कि आसन तो बाद की बात है, अगर आप वास्तव में अच्छे रहना चाहते हैं, क्योंकि मन का भी शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। मन अगर विक्षिप्त है, आपको सब कुछ भी मिल जाए, बॉडीली अगर आप ठीक भी हैं तो बीमार होने लगोगे। मन के ऊपर बड़ी महर्षि पतंजलि ने बड़ा जोर दिया है। योगश चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। योग है ये उनको उन्होंने परिभाषित किया है। तो मन के साथ जोड़ा है, मन को उन्होंने कहा पहले जो आपके मैल है मन में उसको दूर करो। वो कैसे दूर होगा? अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। उसके बाद यम के बाद आता है नियम,